इट्स अराउंड 6 इन द मॉर्निंग एंड टुडे आई एम गोइंग फॉर अ राइड टू सुखना लेक। और सुखना लेक पहुंचकर मैं नीतीश को मिलूंगा और वहां पर हम एक अपने पुराने ब्लॉग के बारे में आपको बताएंगे जो था ट्रिप टू अमृतसर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। बैक टू द व्लॉग। अभी हम आ रहे हैं सुखना लेक से और वहाँ पे थोड़ी भीड़ ज्यादा थी तो इसलिए मैं सोचा चलो सेक्टर 7 में आके बैठ जाते हैं क्योंकि पार्क में थोड़ी शांति है। क्योंकि ये स्टोरी बताने के लिए थोड़ी शांति चाहिए थी हमें जहाँ बैठे। आज हम आपको एक थोड़ा अलग चीज बताने वाले हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं हमारा एक्सपीरियंस हमारी अमृतसर की ट्रिप का, जो हमारी कॉलेज की फर्स्ट ट्रिप थी और हमने वो करी थी थर्ड ईयर में। एक वीक पहले थोड़ी सी प्लानिंग थी कि ये डेट है और इस दिन ये करना है, ऐसे करना है, बस कर ली ट्रिप। हाय गाइस, वी आर एट चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। तो आज हम जा रहे हैं टिकट लेने। टिकट है 125 रुपए की, ट्रेन है सुबह 6:40 की। देखते हैं कि आप तो रात की मिल जाए। सो वी फाइनली गॉट द टिकट्स। हियर आर द टिकट्स, टू टिकट्स फॉर 250। इट इज स्टिल इन वेटिंग फॉर 61। सो फरवरी 19 हम गए लेने टिकट और हमें कुछ नहीं पता था टिकट कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है। बिल्कुल ही अनएक्सपीरियंस तो इसके लिए भी थे कि टिकट कैसे लेते हैं, एक अनएक्सपीरियंस थे हम व्लॉग के लिए। हमने सोचा कि इस बार व्लॉग बनाएंगे तो आप देख रहे होंगे कि कुछ थोड़ा हम नर्वस भी हैं। हम बोल रहे हैं सो हेलो गाइस, हमारे रेलवे स्टेशन पे लोग देख रहे थे कि क्या कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं। इस टाइम कोरोना नहीं था तो भीड़ बहुत थी चारों तरफ ही। हाँ, लाइन लगी हुई थी टिकट के लिए भी। तो हम पहले बहुत घूमे रेलवे स्टेशन पे पर हमें कुछ नहीं पता लगा टिकट कहाँ से मिलते हैं। काउंटर पे गए, अमृतसर करते रहे वहाँ पे हम, अमृतसर ले जाओ यार प्लीज, कोई वहाँ भेज रहे कोई वहाँ भेज रहे। एक दिन हमारा जो ड्रेस कोड था वो था, हमने सोचा हुआ था एक दिन पहले कि भाई हमने डेनिम जैकेट डालनी है, ब्लैक टी शर्ट और नीचे जीन्स और टी शर्ट भी ट्रैक वाली, क्योंकि हम आपको पता है साइकिलिस्ट तो है और ट्रैक के फैन है बहुत बड़े। सुबह सुबह की थी ट्रेन, नीतीश ने ट्रेन ली थी चंडीगढ़ से और मैंने ली थी खरड़ से क्योंकि मेरे को पास पड़ता है। और सुबह की ट्रेन थी 7 बजे की, सुबह थी 6:30 की ट्रेन, ये 6:30 चढ़ा था। हाँ। और मैं चढ़ा था खरड़ पहुंचते तक 7 बजे थे। अजय की मम्मी ने परांठे पैक करके दिए थे रास्ते में, हमने वो खाए थे। और हमें ट्रेन पे एक मिले भी थे अंकल, याद है वो अंकल काफी अच्छे थे, उन्होंने अपना फ्रेंडली थे काफी, हमने बातें की उनसे, मतलब अच्छा माहौल था ट्रेन में भी जाते हुए। स्नैक्स साथ में लेके चले थे तो उन्होंने स्नैक्स हमने खाए साथ में। फिर तो सुबह सुबह थे हम, 11 बजे पहुंच गए थे वहाँ पे, वहाँ पहुंचे थे 11:15 के करीब। सबसे पहले अपने मैप में अपना वो ढूंढा हमने होटल, तो हमने देखा वो था 2.5 से 3 किलोमीटर के करीब। तो मैंने अजय से पूछा, मैं कहा जब क्या करें, कैब करें? तो ये कह रहा है यार कैब कर लेते हैं। फिर मैं कहा नहीं, ऐसा करते हैं पैदल ही चलते हैं। हाँ, क्योंकि उस टाइम जो वेदर था वो अच्छा था और हमें वैसे भी एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है। ट्रेन की जर्नी काफी सही थी वैसे हमारी देखा जाए। चल दिए थे अपने होटल की तरफ 2.5 किलोमीटर राइड। मौसम भी अच्छा था, भीड़ भी, हॉर्न बहुत मारते हैं, चाय लगी हुई, ट्रैफिक बहुत ज्यादा वहाँ। चंडीगढ़ की आदत पड़ी थी हमें, पहली ट्रिप थी तो थोड़ी स्पेशल होती है कि हमें लगता है कि यार खुद आए हैं, अकेले आए हैं, तो थोड़ा वो फील आ रही थी हमें। ऊपर से हमने व्लॉगिंग कर ली थी तो और ज्यादा फील आ रही थी कि ऐसे ट्राइपॉड लगा के जा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। कई लोगों ने पूछा भी क्या कर रहे हो रास्ते में, उनसे पूछा। हाँ, एक सीन भी था जिस जहाँ पे एक बाइक वाला जा रहा था, उसने ऐसे हमें हाय कहा तो हमें लगा कि यार पहली बार ऐसा किसी ने कहा। एक तो फर्स्ट ट्रिप, ऊपर से फर्स्ट व्लॉग। हाय अजय, हाउ आर यू फीलिंग? वेरी टायर्ड। सो वी आर फाइनली एट आवर रूम। ओए भाई ये क्या है, क्या हो रहे हैं आप? देखो, लुक एट आवर रूम। ये शायद नीतीश का बर्थडे है। मेरा तो नहीं है। मेरा भी नहीं यार। सो देयर इज अ चेंज इन प्लान, जैसे कि आपको पता ही है क्योंकि आज तो मेरा बर्थडे है नहीं, तो एक्चुअली इन्होंने गलती से हमें रूम नंबर बता दिया था। तो लेट्स गो टू आवर रूम। एक्चुअली राइट नाउ आवर रूम इज बीइंग क्लीन्ड, सो वी आर वेटिंग। मीनवाइल एक्चुअली हम कौन से सालों से कर रहे हैं, तो शुरू में तो थोड़ा होता ही है नर्वसनेस, क्यों नीतीश? हाँ भाई, बहुत ज्यादा होती है, इसको ज्यादा ही हो रही है। अरे लोग बहुत देखते हैं क्या तुझे। सो फाइनली हमारा रूम रेडी है, लेट्स गो नीतीश। हैप्पी बर्थडे टू जिसका भी था। वाह भाई, कैसा लगा? A lot better than the earlier one. That happy birthday. Yeah, so this is our room. As you can see, quite good room. Washroom is quite nice. Hello.
तो अब जब हम फाइनली अपने रूम में पहुंच गए थे, अब हमें डिसाइड करना था अब हमें करना क्या। जाते ही सबसे पहले तो हमारे दिमाग में आया कि खाना, वो भी प्रामा था ढाबा, और हमें उस टाइम खाने थे कुलचे, अमृतसरी कुलचे, जो कि वहाँ की स्पेशलिटी। वो हम दो तीन दिनों से जब से टिकट बुक कराई थी उसी की वेट कर रहे थे। I would rather say, if you ever visit Amritsar, do come to Pramada Tapa. Yeah, for sure. So we just visited the Partition Museum and it was really wonderful. I was really shocked at how people of India were treated at that time. So now we are moving towards the Wagha border. We have taken auto for 100 rupees each. Partition Museum जाने के बाद अब बारी थी Wagha border ceremony. तो उसके लिए पहले हम जब Partition Museum से बाहर आए तो हमने ढूंढा कि अब कैसे जाना है वहाँ। तो हमें खुद ही वहाँ पे खड़े होते हैं तो बोल रहे होते थे उस टाइम पे कि अगर Wagha border जाना है तो बता दो। जैसे वो पास आके बोलते हैं, दो टिकट्स ली ऑटो के लिए, तो हमें लेके भी जाता और वापस भी लेके आता। फर्स्ट और लास्ट ऑटो था वो, आखिरी वो ऑटो ही लास्ट था क्योंकि सेरेमनी स्टार्ट होती है अराउंड 4 PM और वहाँ जाने के लिए उस टाइम 3 बजे थे। उस टाइम 3 बजे थे तो एक घंटे में हमें वहाँ उसने पहुँचा दिया, 45 मिनट में पहुँचना था। फिर वहाँ पे चेकिंग होती है, थोड़ा वहाँ पे भी 15 मिनट तो लग जाता। फिर सबसे बड़ी बात, जब भी आप वहाँ जाओ तो अपने कोई आइडेंटिटी कार्ड जरूर लेके जाओ। जैसे मैंने बहुत बड़ी गलती करी, मेरे पास आइडेंटिटी कार्ड था ही नहीं, मैं सब कुछ अपना होटल में छोड़ गया था। हाँ, इसके बैग में पड़ा था और वो बैग होटल में पड़ा था और इसके फोन में फोटो भी नहीं थी। आप कम से कम आधार कार्ड की फोटो ले लो। मेन बात यह है वहाँ नेट नहीं चलता तो सेव करके रखना हमने गैलरी में। हाँ, नेट तो सिग्नल नहीं आते, सिग्नल नहीं आते। इसका तेरा कौन सा? इसका आइडिया मेरा जियो, जीने का आइडिया नहीं था कोई। अब हम पहुंच चुके थे Wagha border और वहाँ शुरू हुई रिट्रीट सेरेमनी। तो सबसे पहली बात तो वहाँ एक हवा में एनर्जी अलग है, वहाँ पे म्यूजिक लगा होता है तो पता नहीं खुद ही ऐसे लगता है कि मोटिवेशन से मिल जाती है, पेट्रियोटिज्म की फील अपने आप अंदर से जागती है। ऊपर से वहाँ पे जो वो होते हैं कमांडोज होते हैं उनकी एनर्जी इतनी हाई होती है, उनकी बॉडी देखो और उनकी जो एनर्जी देखो तो लगता है यार हम तो कुछ भी नहीं करते हैं। और फिर वहाँ गाने लगे होते हैं, हमने वहाँ इतना डांस किया कि पूछो ना, चिक्के इतनी मारी। जबकि जहाँ से ऑटो है और ऑटो से लेके Wagha border का जो गेट है जहाँ पे चेकिंग होती है वो भी हम भाग के गए थे क्योंकि हम लेट हो गए थे। हम लेट थे तो हम रनिंग करते हुए, हमें इतना था कि हमारी जो मिस ना हो जाए बिल्कुल भी। डेनिम जैकेट डाली हुई है, टी शर्ट डाली हुई है, जीन्स डाली हुई है, भाग रहे हैं, ब्लॉगिंग करते हुए भाग रहे हैं, वो भी ब्लॉग बना। तो बेसिकली वहाँ ऐसा है कि कॉम्पिटिशन है इंडिया साइड वर्सेज पाकिस्तान साइड का कि कौन ज्यादा शॉट डालेगा, और जीता अमीर है तो उस टाइम पे। और इंडिया का जो साइड है वहाँ ज्यादा लोग होते हैं एज यूजुअल, तो बस रोज इंडिया जीतता है। इंडिया का तो इंडिया साइड काफी भरा हुआ था जैसे दिख रहा है, पाकिस्तान साइड खाली पड़ी थी। पाकिस्तान का तो आए पर लेट आए वहाँ पे लोग, पता नहीं। ये बात मैंने सुनी कि इंडिया साइड में जो सेरेमनी है उसमें फ्री होती है और पाकिस्तान साइड में शायद थोड़ा सा कॉस्ट रखते हैं वो थोड़ा बहुत, बाकी हाँ शायद ऐसा कुछ है एंट्री टिकट, बट मैं कन्फर्म नहीं हूँ, शायद हो सकता है, मैंने सुना है ऐसा। वापिस होटल, और होटल में अजय ने पता नहीं मेरे साथ बड़ा मिसबिहेव किया तो हमारी एक लड़ाई होगी वो देखे यहाँ। वी आर बैक नाउ इन होटल एंड आई जस्ट फ्रेशन्ड अप। ये क्यों यूज़ कर रहा है? क्या हो गया? तौलिया तो है यार, ये यूज़ करना था, कर लिया, क्या करेगा। उसमें मैं लीज आ रही थी। एक्चुअली सीन क्या था कि हमने ना सोचा था कि ना ब्लॉग में एक ऐसा सीन डालना कि लड़ाई हो रही हो हमारी। पहले हमने प्लान किया था कि भाई मैं तौलिया लूंगा, अजय मेरे को मना करेगा, फिर हम दोनों लड़ाई करेंगे, मुझे मुक्का मारेगा, मैं बैठ मैंने पूरा सीन बनाया था यार कि तू यहाँ खड़ा होगा, तू कहेगा मैं तौलिया, तू घेरेगा,
मैं तेरे मुक्का मारूंगा, मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ। इससे ना जब भी अपना टॉवल गिरा ना, मेरे से हंसी रुकी थी। तो वो सीन हमने करा ही नहीं, जैसे हम हंसे ना बस हमने सोचा यही ठीक है, नेचुरली उसको वैसे ही रहने दो। हमने सीन रीटेक भी किया था एक बार, जो आपने सीन देखा इस बार, इसके बाद एक और भी किया था, पर उस टाइम भी यही चीज हुई। तो मैं यार ये ऐसे छोड़ ही दिया, हमने कहा यही ठीक है। तो जी अब बारी थी रात के खाने की, तो हमें खाना था कुछ अच्छा था क्योंकि भूख बहुत लगी थी। मेट्रो जी अब हमने सर्च किया तो एक ढाबा मिला हमें मक्खन दा टांबा, तो बड़ी अच्छी रेटिंग थी इसकी, और ये था 2.5 किलो के अराउंड। तो रात का टाइम था, 8 बजे थे और ठंड ठंड भी, रात को ठंड हो गई थोड़ी। हमने थोड़ा चेंज किए कपड़े, फिर जो हमने डिनर किया वो जैसे हमने बताया बेस्ट था। वो दाल ली हमने वहाँ पे, एक लिया मलाई कोफ्ता बिना मलाई का जिसमें मलाई हमने बहुत ढूंढी, बहुत ढूंढी, हमें नहीं मिली सॉरी। पर सही बताऊँ खाना तो अल्टीमेट था, सही में अल्टीमेट। पर क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी उनकी, जो क्वांटिटी बहुत अच्छी देते हैं वो, यहाँ तो कहीं नहीं मिलती है इतनी क्वांटिटी। हमने दाल मंगाई, हमने सोचा चलो होगी एक दो कॉली जितनी होगी, और वो आई इतनी, पूरा डोंगा भर के फुल आई, फुल ऊपर से मक्खन भी पूरा उसमें ठीक था। मलाई कोफ्ता में मलाई नहीं थी, पर दाल मक्खन था, क्योंकि वो मक्खन का ढाबा तो मक्खन तो होना ही था उसमें, मक्खन तो पानी था। सो गाइस वी आर गोइंग टू मक्खन दा ढाबा व्हिच इज अराउंड 2 किलोमीटर अवे, और वॉक करके चलेंगे। हाँ वॉक करके जाएं। सो ये हमारे होटल की लॉबी, एंड हियर यू कैन सी आवर रूम। फोन आ रहा, क्या हुआ? पीछे पा रहे हैं। How was the dinner यार? It was really fantastic. और अब हम जा रहे हैं बर्गर किंग to have a ice cream with brownie. पर कैलोरीज कितने होंगे इसमें? भाग के चले गए अपने आप, आए भी भाग के थे हम, आए भी भाग के थे, वो हमने व्लॉग में दिखाया नहीं, पर आए हम भाग के थे। हौसला इतना कि आज हम शिमला तक जा सकते हैं। So Jay, you like it? Great, yeah. So we are done with the ice cream. The ice cream was really delicious, man. Yeah. अगर आप बर्गर किंग जाते हो तो डू चेक आउट देयर संडे व्हिच इज ब्राउनी संडे एंड इट इज रियली अमेजिंग। ये वाली थोड़ी सी हार्ड थी। हाँ ये अमृतसर में एक्चुअली जो ब्राउनी थी वो थोड़ी हार्ड थी, बट जहाँ हम खाते हैं वहाँ ब्राउनी बहुत सॉफ्ट होती है, थोड़ी गर्म रहती है। चंडीगढ़ में हाँ हमेशा आइसक्रीम का शौक है, तो डू चेक इट आउट। समटाइम्स यू हैव टू चीट आल्सो ऑन योर डाइट। फिर अराउंड 10 or 10:30 हम होटल वापस पहुंचे, तो अब हम बहुत एग्जॉस्ट हो चुके, थक चुके थे। अब हमें चाहिए था बस कि हम सो जाएं, क्योंकि अगले दिन हमें सुबह जल्दी उठना था क्योंकि हमें जाना था गोल्डन टेम्पल। और नीतीश सोया नहीं उस दिन? उस दिन मुझे नींद नहीं आई, पता नहीं क्यों ये सोया नहीं। मैं भी काफी लेट सोया, मुझे भी नहीं आ रही थी क्योंकि एक तो पहली ट्रिप जैसा मैंने कहा है, और ऊपर से ऐसे दोस्तों के साथ हो तो नींद नहीं आती, बातें बुते करते रहो टाइम पास हो जाता है। ठीक रात को कई बार ऐसे हुआ कि मैं लेटा लेटा हंसने लग गया, ऊपर से अजय भी हंसने लग गया। हमें कोई बात याद आ रही कभी? कुछ कोई बात थी नहीं, कोई आपस में कोई बात नहीं हो रही है, बस हंस रहे हैं दोनों। और कभी एक बार हमने सोचा चल म्यूजिक लगाते डांस करते रात को। गुड मॉर्निंग गाइस, it's 5:30 and we just woke up and now we are just having some water, we can freshen up a little bit, detox a little bit, so after that we will have a bath and directly go to the golden temple. Yes. तो अगली सुबह हुई, हम उठे 5:30 बजे। अगला चैलेंज ये था कि नहाएं कैसे, क्योंकि हमारे होटल में गीजर नहीं था, गीजर ही नहीं था। फिर नहाना तो था, गुरुद्वारे जाना था, और काफी एक्साइटेड थे, हमने कहा जल्दी जाएंगे पूरा रेडी होके, तो हमने सोचा कि चल अब नहा ले बस, जो पानी उससे नहा ले। तो बस हिम्मत करके पहले मैं गया, पहले नहीं मैं नीचे, तू जा यार तू देख। पहले मैं हिम्मत करके गया और मैं नहा के आया किसी भी तरीके से, मुझे ही पता कैसे ऐसे अकड़ा हुआ बाहर आया। ठीक है, फिर मैंने अजय को भेजा धक्के से, मैं कहा जा अजय, फिर मैं गया नहाने, फिर हम दोनों नहा लिए, फिर हम रेडी होके ऑल सेट टू गो for golden temple. Here Nitish is packing his stuff. All set? Yeah, let's go. Golden temple from here is around 2.2 kilometers. Yeah, it's around 2.2 kilometers. Yeah, and we will walk as you walk. Know definitely walk. It is kind of walking tour for us. काफी ठंड है यार, अच्छा हो जैकेट डाल ली इसलिए, अब तो लग रहा है कि हाँ भी अच्छा किया जैकेट डाल। पहले मैं सोच रहा था रहने देते हैं, ऐसे चलते हैं।
मैं भी सोच रहा था मैं क्या सिर्फ शर्ट शर्ट में चलते हैं, पर अब पता लग रहा है हमने हमारा डिसीजन सही था। मेरे को तो अभी भी ठंड लग रही थोड़ी सी। हमने ये डिसाइड किया कि अंदर हम बिल्कुल ब्लॉग नहीं करेंगे क्योंकि हमें वहाँ पे वो फील नहीं फिर आती ना, क्योंकि हमारा ध्यान प्रेयर्स की तरफ होना चाहिए, थोड़ा उस एनवायरनमेंट को फील करना चाहिए। और वहाँ पे लिखा भी हुआ है कि कैमरा यूज नहीं करना और वहाँ लिखा हुआ है कि टिकटॉक इज प्रोहिबिटेड, तो कोई टाइम पे टिकटॉक बैन नहीं था क्योंकि, तो कोई ट्राइपॉड देख के ना समझ ले कि शायद हम के अब ये भंगड़ा पा देंगे। तो पहले तो क्या हुआ, हम गए अंदर और हमने लाइन देखी, तो लाइन देख के थोड़ा सा हमें लगा कि ठीक है, क्योंकि हम सुबह आ गए थे, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम गया था जून में तो उस टाइम तो लाइन काफी लंबी थी, तो उस टाइम मैं अंदर भी जा पाया था, मैंने सिर्फ बाहर से मत्था टेका था। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अमृतसर जाते हैं पर गोल्डन टेम्पल के अंदर विजिट नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ भीड़ ही बहुत ज्यादा होती है। भीड़ बहुत होती है वहाँ पे जब पीक टाइम होता है ना, तो काफी भीड़ होती है। सो गाइस अभी हम जाकर आ रहे हैं गोल्डन टेम्पल। इट वॉज ट्रूली एन एक्सपीरियंस, इट्स रियली सैक्रेड। And now we are back to same Pramada Dhaba to have a pirni. अगर आप सही टाइम पे जाओ ना तो आपको लाइन छोटी मिलती है। हम सुबह सुबह गए थे 7 बजे, तो लाइन ठीक थी, हमें 45 मिनट्स लगे होंगे मैक्सिमम, तो इस टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, फिर आपको 2 घंटे 3 घंटे लग सकते हैं। और यहाँ का लंगर बेस्ट होता है। तो उसके बाद हम आए वापस होटल, तो हमने वहाँ किया अपना सामान पैक, हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे वापस घर। और हमने पैकिंग कैसे की वो आप देखो। टावल ले लिया तुमने? टावल होटल वाला, होटल वाला टावल, वो भी तो लेके जाने। हाँ, और सोप सूप शैम्पू वगैरह वो तो इम्पोर्टेंट है, सब उठा लिएगा, सब कुछ उठा लो, जो मिले उठा लो। मैं तो कहता हूँ ये भी उठा लेते हैं, क्या कहता है? मैं तो रजाई पैक कर रहा हूँ, रजाई ज्यादा हो जाएगा थोड़ा। नहीं वो ठीक रहेगा, टेबल ठीक रहेगा, टेबल अच्छा लगेगा, टेबल ले लेते हैं। AC स्टार कम है, 3 है, नहीं तो वो भी ले लेते हैं, 5 स्टार वाला चाहिए। टीवी भी अच्छा नहीं है तो ये ले लेते, टीवी अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, AOC है कोई कंपनी। चलो नेक्स्ट टाइम हम अब रेडी हैं, फिर चलो चलें और चेकआउट करें। चलो इट्स ऑलमोस्ट 11 और हम अब चेकआउट करने जा रहे हैं। इसके बाद हम जाएंगे डायरेक्टली बस स्टैंड और वहां से लेंगे डायरेक्टली चंडीगढ़ के लिए बस अजय उतरेगा खरड़ और मैं उतरूंगा चंडीगढ़। सो चंडीगढ़ सेक्टर 17 और 43। सो लेट्स गो। 11 बजे हैं और हम बैठ चुके हैं बस में और ये बस जाएगी डायरेक्टली चंडीगढ़ और हम टिकट ले चुके हैं, लास्ट सीट पर बैठे हैं। सीट बड़ी अच्छी है, पूरा लेग रूम है, लेग रूम बहुत अच्छा है। और हमेशा से लास्ट सीट पर हमारी फेवरेट रही है, चाहे स्कूल बस हो चाहे ट्रैवल के लिए, क्लास में हम फर्स्ट में बैठते हैं, पर अपनी क्लास में हम फर्स्ट रो में बैठते हैं। टाइम पे हम पहुंच गए थे जलंधर बस स्टैंड, क्योंकि वहाँ पे एक ब्रेक थी और वापसी में हमने बस ले ली थी, ट्रेन नहीं ली इस बार, क्योंकि ट्रेन का हमें फिर वहाँ पे बुकिंग करवानी पड़ती तो फिर लंबा प्रोसेस हो जाता वो। तो पहली बात तो ये हमें लगी थी भूख और हमें खाना था कुछ हेल्दी, क्योंकि हम 2 दिन से काफी कुछ हैवी खा रहे थे, तो हमें कुछ हेल्दी खाना था, कोई फ्रूट मिल जाता ठीक है। तो हमने कोशिश की केले मिले पर वहाँ केले कहीं नहीं मिले। अराउंड 20 मिनट की ब्रेक थी जलंधर बस स्टैंड पे, फिर हम वापस आ गए चंडीगढ़। और उस टाइम पे हम इतने ट्रेन नहीं थे ब्लॉगिंग के लिए, हमने एंडिंग ही नहीं बनाई। जैसे ही खरड़ पे पहुंचे मैंने नीतीश का, मैं कहा बाय, मैं बस से उतर के आ गया, नीतीश चला गया बस में, फिर ये अपने घर चंडीगढ़ से घर आ गया। तो बाद में जब मैंने एडिट करा मैंने कहा यार एंडिंग पे बनाई नहीं हमने। This was it for the vlog. I hope you like it. If you do, then please give it a thumbs up, subscribe to the channel and share with your friends. And if you are watching till here, then I really deserve a subscribe from you. So please subscribe to the channel. I will be coming on Tuesday for the next video, as I promised to upload on Tuesdays and Fridays. So till then, take care. Bye.